मैं जितेंद्र कुमार, प्लस टू उच्च विद्यालय जलडी बिरनी गिरिडीह। मैं अर्थशास्त्र के शिक्षक हूं और आज मैं अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण चैप्टर उपभोक्ता व्यवहार के बारे में बताऊं कि उपभोक्ता व्यवहार क्या है। इसको हम लोग इंग्लिश में कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि उपभोक्ता व्यवहार। यानी उपभोक्ता का व्यवहार क्या हो, कैसे होता है? तो कोई भी उपभोक्ता है उसका एक ही व्यवहार होता है कि सीमित साधन से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यानी कि हर उपभोक्ता का एक ही उद्देश्य होता है कि अपने सीमित साधनों से, क्योंकि सबके पास साधन सीमित और आवश्यकता अनंत, सीमित साधनों से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करे, यही हर उपभोक्ता का उद्देश्य होता है। तो उपभोक्ता व्यवहार जो चैप्टर है उसमें हम मुख्य फोकस यही करेंगे कि उपभोक्ता कम से कम साधन में अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि उपभोक्ता बार बार बोल रहे हैं तो उपभोक्ता क्या होता है। जब किसी वस्तु का हम उपभोग करते हैं, तो उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। उपभोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता। जैसे कि मुझे लिखने के लिए चौक की आवश्यकता हो, चौक का मैंने उपयोग किया, तो चौक का मैंने उपयोग किया इसका मतलब चौक का हम उपभोक्ता हो। उपभोग करने किसका? चौक का, और हम उपभोक्ता हो। तो उपभोक्ता मतलब जो वस्तु का उपभोग करता है, यानी जो वस्तु की उपयोगिता को प्राप्त करता है। अब हम आप लोगों के सामने एक नया वर्ड बोले, उपयोगिता क्या है? सबसे पहले उसको जानेंगे। जिस वस्तु में किसी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि मेरी आवश्यकता क्या थी? सबसे पहले मेरी आवश्यकता थी कि हम तुम लोगों को कुछ बता सकें, तो बताने के लिए मुझे चौक की जरूरत पड़ी, क्योंकि चौक के बिना तुम बता नहीं सकते थे। तो इस मेरी जो आवश्यकता थी कि वह ऐसा चीज से बता सके ताकि उसको लिंक मिटा सके, तो इस आवश्यकता की पूर्ति किया चौक ने और एक बोर्ड ने। यानी कि ये दोनों में मेरी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता इस चौक में और इस बोर्ड में मेरी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, इसका मतलब है कि इसमें उपयोगिता है। जैसे मुझे आवश्यकता थी कि मैं अपना शरीर को ढकने के लिए कुछ ऐसा चीज उपयोग करें जिससे मेरा शरीर सुरक्षित रहे, यह आवश्यकता थी मेरी। तो इस आवश्यकता की पूर्ति ये शर्ट ने की, तो इसका मतलब ये शर्ट क्या है? ये शर्ट में उपयोगिता है, इस शर्ट में उपयोगिता है, क्योंकि मेरी जो आवश्यकता थी उसकी इन्होंने संतुष्टि किया। तो हम जब शर्ट का उपयोग कर रहे हैं तो उपभोक्ता कौन हो गया? मैं हम, क्योंकि जो उपयोग कर रहा है तो हम उपभोक्ता हो गए और इस शर्ट में उपयोगिता है। इसके बाद हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा चीज लिखें, जैसे एग्जाम्पल स्वरूप अभी वर्तमान समय में कोरोना महामारी फैला हुआ है, उस महामारी से बचने के लिए लोग एक से एक उपाय कर रहे हैं, क्योंकि जीवन का डर हर किसी को है। तो उससे बचने के लिए ऐसा लोगों की आवश्यकता होगा कि जो हम सांस लेते हैं, ये सांस लेने में हमें कुछ ऐसा होगा जो छन के सांस लेते ताकि हमको किसी तरह का दिक्कत नहीं होता। तो इसके लिए ये जो मास्क है वो तो मेरी आवश्यकता की पूर्ति किया, यानी कि मेरा जो सांस लेने में जो सुविधा हो ताकि शुद्ध हवा आ सके, जितने भी बैक्टीरिया है वो सब
बाहर ही रहे, तो इसकी आवश्यकता की पूर्ति किसने किया? इस मास्क ने। इस मास्क को लगाने के बाद हम मेरी आवश्यकता की पूर्ति हुई। तो आवश्यकता की पूर्ति होने से मतलब क्या हुआ कि हमने उसका आवश्यकता की पूर्ति हुआ यानी कि उसका उपभोग कर रहे, यानी कि इसमें उपयोगिता का गुण विद्यमान है, इस कारण से मैं उसका उपयोग कर रहा हूं। इसके बाद क्या है, उपयोगिता को कंफर्म क्लियर हो गया। इसके बाद उपयोगिता की माप कैसे होती है, चाहे पहले कहते हैं कि उपयोगिता का थोड़ा विशेषता बता देते हैं कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। जैसे कि हो सकता है कि ये चौक या ये फिर पेन मेरे लिए उपयोगी हो सकता है लेकिन आपके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि एक पढ़ने वाला व्यक्ति की इसकी आवश्यकता है तो वो इसके लिए उपयोगी है, लेकिन अगर ये पढ़ने वाला आस नहीं पढ़ने वाला असाक्षर व्यक्ति है तो उसके लिए ये उपयोगी नहीं, उसके लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं। जैसे एक शराब पीने वाला व्यक्ति, उसके लिए उस शराब की उपयोगिता है, लेकिन जो शराब नहीं पीता है अगर वही शराब जो शराब नहीं पीता है दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोगिता उसकी नहीं। उसके बाद क्या है, उपयोगिता का संबंध लाभ या हानि से नहीं होता। हम लोग कहते हैं कि उसका मतलब उपयोगिता का मतलब कितना लाभ हो, वैसा बात नहीं। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का संबंध लाभ या हानि से नहीं है। एग्जाम्पल स्वरूप हम अगर शराब पीते हैं तो शराब पीने से लाभ होता है क्या? हानि होती है, लेकिन मेरी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर रहा है, इसका मतलब अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसमें उपयोगिता का गुण विद्यमान है। अर्थ उपयोगिता मतलब उस वस्तु में मेरी आवश्यकता की संतुष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद उपयोगिता का एक सापेक्षिक होता है, समय स्थान के आधार पर भी उपयोगिता में अंतर होता है। जैसे जाड़े के दिनों में स्वेटर की उपयोगिता होती है, लेकिन जब जाड़ा खत्म हो जाए तो स्वेटर की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती, गर्मी में उस स्वेटर की उपयोगिता नहीं है। ऐसे ही जैसे मुझे भूख लगी हुई है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो भूख लगी है तो सबसे पहले क्या है, रोटी जो है वो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, तो उस रोटी में तो उपयोगिता है। लेकिन अगर जब मेरी भूख खत्म हो जाए तो फिर वही रोटी में मेरे लिए उपयोगिता नहीं। इसके अलावा उपयोगिता व्यक्ति की मनोदशा पे भी निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए मुझे भूख लगा हुआ है लेकिन और रोटी भी यानी कि उसमें उपयोगिता है, लेकिन अगर कहीं से हम कुछ गलत खबर सुन लें जिससे मेरी मनोदशा चेंज हो जाए, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो या किसी का तबीयत खराब हो गया हो, तो जब मनोदशा में परिवर्तन हो जाता है तो उस स्थिति में उस रोटी की उपयोगिता मेरे लिए नहीं होगी, क्योंकि उस समय मेरी मनोदशा चेंज होगी। अब क्या है कि क्या उपयोगिता की माप की जा सकती है? जैसे हम दूध को लीटर में नापते हैं, कपड़ा को मीटर में नापते हैं, उसी तरह से उपयोगिता को क्या मापा जा सकता है? तो इसमें अर्थशास्त्रियों में दो तरह के विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उपयोगिता को हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, यानी कि पैसा के रूप में हम माप सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उपयोगिता को माप नहीं सकते बल्कि हम तुलना कर सकते हैं, यानी कि उपयोगिता को कर्म बाहर व्यवस्थित कर सकते हैं। तो जो अर्थशास्त्री ये कह रहे थे कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, जो अर्थशास्त्री ये कह रहे थे कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं गणनावाचक, यानी कि गणनावाचक तो उसको हम गिनती कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसमें क्या है कि अगर हम इस पेन की उपयोगिता 5 रुपए के बराबर है और इस चौक की उपयोगिता 2 रुपए के बराबर है, तो हम कह सकते हैं
कि इस चौक की उपयोगिता की अढ़ाई गुना उपयोगिता इस पेन में, यानी कि इसमें किसी वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु से कितनी अधिक है या कितनी कम है ये हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के लिए इस पेन है, तो ये पेन के लिए जितना रुपया देने को तैयार होते हैं इसका मतलब है कि उतना रुपया के बराबर इससे हमें उपयोगिता मिल रही है। यानी कि इस पेन के लिए अगर हम 5 रुपया देना चाहें तो इसका मतलब है कि इस पेन से मुझे 5 रुपया के बराबर उपयोगिता मिल रही है। अगर इस पेन का कीमत 7 रुपये हो और मुझे लगा कि नहीं ये 5 रुपया तक दे तो ठीक है, यानी कि हम अपनी इस आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है उसमें हम अनुमान लगाएंगे 5 रुपया तक ठीक है, लेकिन अगर इसका कीमत 7 रुपया हो तो हम नहीं खरीद सकते। हम तभी जब बाजार भी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम तभी खरीद सकते हैं जब मेरी जो उपयोगिता मिलती हो उतना में वो सामान मिलता हो या फिर उससे कम में मिलता हो। तो इसमें एक और चैप्टर हो गया कि कम में मिलता हो मतलब, तो उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं उपभोक्ता बचत। उपभोक्ता बचत मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु की कीमत जो हम देने के लिए तैयार होते हैं और वास्तव में जो देते हैं दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम उपभोक्ता की बचत करते हैं, लेकिन हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज हम इसमें पढ़ाते हैं तो गणना वाचन चार को किसने दिया था, प्रोफेसर मार्शल ने। मार्शल ने बताया था कि उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, मुद्रा को 1, 2, 3, 4 संख्या के रूप में मापा जा सकता है, लेकिन इसके विपरीत हिग्स और आरजीडी एलन जियालिस दो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये मार्शल ने जो बोला है वो सही नहीं है, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है बल्कि उपयोगिता को तुलना किया जा सकता है कि इस वस्तु की अपेक्षा इस वस्तु में उपयोगिता को अधिक मिली या इस वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु में उपयोगिता में कम मिली, लेकिन कितनी कम मिली या कितनी अधिक मिली उसको हम नहीं बता सकते। यानी कि उपयोगिता को हम क्रम बाय व्यवस्थित कर सकते हैं। एक किसने कहा था, प्रोफेसर जे आर हिग्स एंड आर जूडी एलन, क्या कहा था कि उपयोगिता को हम तुलना कर सकते हैं लेकिन उसे हम माप नहीं सकते हैं। जो हम बता रहे थे कि मार्शल का गणनावाचक दृष्टिकोण, तो मार्शल का गणनावाचक दृष्टिकोण जो है उसको समझने के लिए हमको सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता दोनों को समझना पड़ेगा। उपयोगिता तो हम बता चुके हैं क्लियर, उसमें कहीं किसी तरह का तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता बताएंगे, ठीक है। तो सीमांत का अर्थ होता है एक अतिरिक्त, अर्थात सीमांत उपयोगिता का अर्थ होता है कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी कि एक अतिरिक्त इकाई, ध्यान दें कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे मान लिया जाए मैं 4 रोटी का उपभोग कर चुका हूं, ठीक है, मैं कितने रोटी का उपभोग कर चुका हूं, 4 रोटी। 4 रोटी का उपभोग करने के बाद मुझे कुल उपयोगिता 20 रुपये के बराबर प्राप्त हुआ, कितने प्राप्त हुआ, 20 रुपये के बराबर। तो हम क्या बोले कि एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग में हो वृद्धि होने से, तो हम 4 के 5 रोटी खाते हैं, तो 5 रोटी खाते हैं तो कुछ उपयोगिता तो बढ़ेगा मेरा। मान लेते हैं कि जो पहले 4 रोटी खा लेते हैं तो मुझे कुल उपयोगिता 20 रुपये के बराबर मिलता था, 5वीं रोटी खाने के बाद मेरी उपयोगिता 24 रुपये के बराबर, कितना हो गया, 24 रुपये के बराबर। तो 24 रुपये के जब बराबर हो गया
आने के हम क्या बताते हैं कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग में वृद्धि होने से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होता है, तो कुल उपयोगिता वृद्धि कितना हुआ है? 4 रुपया। आने के 4 रुपया क्या हो गया मेरा? सीमांत उपयोगिता, जिसको हम लोग मार्जिनल उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, अब कुल उपयोगिता क्या है? तो कुल उपयोगिता हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए हम 5 रोटी का उपभोग, तो 5 रोटी के उपभोग से हर रोटी में कितनी उपयोगिता मिली उसको अगर हम जोड़ देंगे तो वो मेरी कुल उपयोगिता होगा, अर्थात टोटल यूटिलिटी इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि कुल उपयोगिता जो होता है वो सीमांत उपयोगिता का योग होता है। जैसा कि इसमें देख चुके हैं कि मान लीजिए मुझे बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, तो जब भूख लगा हुआ है तो रोटी के लिए मेरी उपयोगिता बढ़ेगी, तो फर्स्ट रोटी के लिए हम अधिक पैसा देने के लिए तैयार होंगे क्योंकि मेरा भूख अधिक। तो जब फर्स्ट रोटी के लिए हम 40 रुपया देने के लिए तैयार होंगे तो कुछ मेरा पेट भर गया, और जब कुछ पेट मेरा भर गया तो दूसरी रोटी के लिए उतना देना चाहिए क्या? क्योंकि मेरा पेट कुछ भर गया तो दूसरी रोटी के लिए निश्चित ही हम पहली रोटी की तुलना में कम रुपया देना चाहेंगे। यानी कि पहली रोटी की तुलना में दूसरी रोटी से मुझे कम उपयोगिता मिलेगी, अर्थात अगर पहली रोटी खाते हैं तो मुझे 40 रुपए के बराबर उपयोगिता मिलती है, तो दूसरी रोटी के लिए मुझे 30 रुपए के बराबर उपयोगिता मिलती है। अब दूसरी रोटी खा लिए तो पेट थोड़ा और भर गया, तो पेट जब भर गया तो तीसरी रोटी के लिए उससे भी कम देंगे, चौथी रोटी के लिए उससे भी कम देंगे, और जब मेरा पेट भर गया है उसके बाद क्या हम रोटी के लिए पैसा देंगे क्या? यानी कि उस रोटी के लिए मेरे लिए उपयोगिता है क्या? नहीं, उस रोटी के लिए हम पैसा नहीं देंगे। यानी कि यहां पे हम देखते हैं कि पांचवी रोटी के लिए हम 0 रुपया देना चाह रहे हैं, यानी कि पांचवी रोटी से हमको उपयोगिता नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम पांचवी रोटी के बाद भी खाना चाहें तो जिसको हम लोग कहते हैं ओवर ना, तो उसे क्या होगा? ढगार आएगा, पेट ढक जाएगा, यानी कि उससे हमको उपयोगिता नहीं मिलेगा बल्कि अनुपयोगिता मिलेगा, आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होगी बल्कि असंतुष्टि होगी, यानी कि हमको उपयोगिता नहीं मिलेगा बल्कि पांचवी रोटी के बाद जैसे ही उपभोग को जारी रखेंगे तो जैसे जैसे ज्यादा खाएंगे छठी रोटी में कुछ कम अनुपयोगिता मिलेगा, सातवीं रोटी में और कम मिलेगा, आठवीं रोटी में और कम मिलेगा, यानी कि वो क्या कहते हो कि उससे हमें उपयोगिता नहीं मिलेगी बल्कि अनुपयोगिता मिलेगी। जैसे हम लोग कहते हैं कि जब ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा? वोमिटिंग होगी ना, उल्टी होगी, तो उससे हमको उपयोगिता संतुष्टि मिलेगी क्या? नहीं ना। तो इसलिए क्या है कि हम पहली रोटी के लिए अधिक रुपया देना चाहते हैं, दूसरी रोटी के लिए उससे कम, क्योंकि पहली रोटी में पेट कुछ भर गया है तो दूसरी रोटी के लिए कम, तीसरी रोटी के लिए कम, और जब मेरा पेट भर गया है तो उसे के बाद हम पैसा देना नहीं चाहेंगे, आने की उपयोगिता मेरा 0 के बराबर। और उसके बाद अगर हम उपभोग करते हैं तो उससे हमें अनुपयोगिता, कुल उपयोगिता में क्या है? पहली रोटी में 40 रुपया के बराबर उपयोगिता मिला तो कुल उपयोगिता होगा 40, दूसरी रोटी में मुझे 30 रुपये के बराबर उपयोगिता मिला तो पहली रोटी से मुझे 40 उपयोगिता मिल चुका था, और दूसरी रोटी से 30 उपयोगिता मिला, तो दोनों मिलाकर कितना उपयोगिता हो गया? 40 30 70, यानी कि दोनों रोटी का उपयोग करने के बाद मुझे 70 रुपये के बराबर उपयोगिता। लेकिन जब तीसरी रोटी का उपयोग करते हैं तो 20 रुपये के बराबर उपयोगिता मिलती है, और पहले से मेरा 2 रोटी में 70 रुपये के बराबर उपयोगिता मिल चुका था, तो तीसरी रोटी खाने के बाद मेरा 70 प्लस 20 बराबर 90 रुपये के बराबर उपयोगिता। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं सीमांत उपयोगिता, जिसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, और कुल उपयोगिता जिसको हम लोग टोटल यूटिलिटी कहते हैं। तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है?
सबसे फर्स्ट अपन हम यहां देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता स्टार्टिंग से घटना शुरू हो जाती है, लेकिन जब तक सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव रहता है तब तक कुल उपयोगिता भी पॉजिटिव होता है। फर्स्ट पॉइंट कि जब तक सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव होता है अर्थात धनात्मक होता है तब तक कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। भले सीमांत उपयोगिता घटते दर से बढ़ रहा है और सीमांत उपयोगिता जिस घटते दर से घट रही है उसी दर से कुल उपयोगिता भी बढ़ रही है। तो फर्स्ट संबंध क्या हो गया कि सीमांत उपयोगिता जब पॉजिटिव होता है धनात्मक होता है तो कुल उपयोगिता में वृद्धि। सेकेंड संबंध क्या है कि जब सीमांत उपयोगिता जीरो होता है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होता है। क्वेश्चन में आ सकता है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है, चाहे कुल उपयोगिता जब अधिकतम होती है उस समय सीमांत उपयोगिता कितनी होती है। तो क्या हो रहा है, सीमांत उपयोगिता जब जीरो होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ठीक है। और तीसरा संबंध क्या है, जब सीमांत उपयोगिता नेगेटिव होती है यानी कि ऋणात्मक होता है तो कुल उपयोगिता में भी कमी होना शुरू होता है। मतलब तीन संबंध हो गया, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होता है तो कुल उपयोगिता में वृद्धि होता है, जब सीमांत उपयोगिता जीरो होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होता है, और जब सीमांत उपयोगिता नेगेटिव होता है अर्थात ऋणात्मक होता है तो कुल उपयोगिता में कमी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोनों में हम एक रेखा चित्र के द्वारा भी हम दिखा सकते हैं, जैसे कि हम दिखाए हैं इसमें ओ एक्स रेखा चित्र पे हम वस्तुओं की इकाइयों को दिखाए हैं, ओ वाई रेखा चित्र पे हम सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता को दिखाए हैं। हम यहां देख रहे हैं कि जब सीमांत उपयोगिता जब तक धनात्मक रहती है अर्थात जब तक सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव रहता है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ रहा है। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड चीज, जब सीमांत उपयोगिता जीरो हो जाता है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होता है, और थर्ड चीज, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होता है यानी कि नेगेटिव होने लगता है तो कुल उपयोगिता में भी कमी होने लगता है, यानी कि सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में संबंध जो है स्पष्ट है कि जब सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव होता है तो कुल उपयोगिता में वृद्धि होता है, जब सीमांत उपयोगिता जीरो होता है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होता है, और जब सीमांत उपयोगिता नेगेटिव होता है तो कुल उपयोगिता में कमी होना प्रारंभ होता है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों हम आपको गणनावाचक दृष्टिकोण के बारे में बता दिए हैं, अब क्या है क्रमवाचक दृष्टिकोण, जो प्रोफेसर हिक्स एंड एलेन का, जिसको हम लोग हिक्स एंड एलेन भी कहते हैं, यानी जे आर डी हिक्स एवं आर जी डी एलेन, ये दो अर्थशास्त्री ने उपयोगिता के बारे में बताया कि इसे मापा नहीं जा सकता है बल्कि तुलना किया जा सकता है। तो इसमें मुख्यतः हम लोग उदासीनता वक्र पढ़ते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है, सबसे पहले हम उसको जानेंगे। दो वस्तुओं के एक दो वस्तुओं के सभी संयोग, दो वस्तुओं के वैसे सभी संयोग जिससे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलता हो, तो इसे मिलाने वाली ऐसे संयोगों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग उदासीनता वक्र रेखा कहते हैं। फिर से, दो वस्तुओं के वैसे सभी संयोग जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलता,
संतुष्टा हो। तो अगर समान संतुष्टि मिलेगा तो क्या होगा, उपभोक्ता तटस्थ रहेगा कि हमको कोई भी संयोग मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे सभी संयोगों से समान संतुष्टि मिलता है। अगर किसी संयोग से उसे अधिक संतुष्टि मिले और किसी से कम मिले तो उपभोक्ता क्या करेगा, अधिक संतुष्टि की हो जाएगा। और जो कम संतुष्टि जिसे मिलता है उसको कोई उपभोक्ता जो विवेकशील उपभोक्ता है तो उसको उपभोग नहीं करेगा। तो वैसे संयोगों का उपभोग करेगा जिसका मतलब जिस संयोग से उसे अधिक उपभोक्ता उपयोगिता मिलता हो। तो इसे हम लोग कहते हैं एक दिष्ट अधिमान वक्र। क्या कहते हैं? एक दिष्ट अधिमान वक्र। कब? जब दोनों संयोगों में एक संयोग में एक वस्तु की मात्रा अधिक हो और दूसरी वस्तु की कम मात्रा कम नहीं हो। तो इसमें क्या होगा कि एक संयोग के पीछे दूसरे संयोग से उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि मिलेगी, इसलिए उसको हम एक दिष्ट अधिमान करते हैं। लेकिन यह है उदासीनता, यानी उदासीनता मतलब तटस्थ, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसे सभी संयोगों से समान संतुष्टि मिलती है। एग्जाम्पल सुनो, यहां पे दो वस्तु लिखते हैं, बार बार बोल रहे दो वस्तुओं की वजह से सभी संयोग, जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलता है। तो एग्जाम्पल सुनो, एक वस्तु हो गया एक्स, दूसरा हो गया वाई। तो क्या हम एक्स वस्तु की एक इकाई और वाई वस्तु की 20 इकाई का जब हम भोग करते हैं तो उससे जितना मुझे उपयोगिता मिलता है एक्स वस्तु की दूसरी इकाई और वाई वस्तु की 15 इकाई से, दोनों से मैं बराबर बराबर उपयोगिता। और अगर हम तीसरा संयोग जो है, अगर हम एक्स वस्तु की 3 इकाई और वाई वस्तु की 11 इकाई का उपभोग करेंगे तो उससे भी हमें उतनी ही संतुष्टि मिलेगी। यानी कि हम कर सकते हैं कि उपभोक्ता को संयोग चाहे ए चुने, बी चुने, सी चुने, डी चुने, ई चुने या एफ चुने, उसे सभी संयोगों से समान संतुष्टि मिलता है। इसलिए उपभोक्ता जो है संयोगों को चुनने के प्रति उदासीन रहता है, और उदासीन रहने के कारण ही उसे हम उदासीनता वक्र कहते हैं, उदासीनता वक्र कहते हैं। इसको हम लोग तटस्थता वक्र नहीं कहते क्योंकि उपभोक्ता तटस्थ रहता है। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि जब एक वस्तु के लिए स्टार्टिंग में यानी कि उपभोक्ता जब एक वस्तु की एक इकाई बढ़ाता है तो वाई वस्तु की 5 इकाइयों का त्याग करता है। लेकिन धीरे धीरे देखते हैं कि उपभोक्ता जैसे जैसे एक्स इकाइयों की बढ़ाता है तो वैसे वैसे वाई वस्तु की कम इकाइयों का त्याग। हम यहां देख रहे हैं कि एक्स वस्तु की स्टार्टिंग में 20 संयोग में एक्स वस्तु की एक इकाई बढ़ाने के लिए उपभोक्ता वाई वस्तु की 5 इकाइयों का त्याग, जबकि सी संयोग में उपभोक्ता एक वस्तु की एक इकाई बढ़ाने के लिए उपभोक्ता वाई वस्तु की 4 इकाइयों तक त्याग करता है। और धीरे धीरे देखते हैं कि उपभोक्ता एक वस्तु की एक इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता वाई वस्तु की मात्र एक इकाई छोड़ने के लिए त्याग करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब स्टार्टिंग में उपभोक्ता के पास एक्स वस्तु बहुत कम मात्रा में है, वाई वस्तु अधिक मात्रा में, और हम जानते हैं कि जो मेरे पास अधिक होता है उसकी उपयोगिता कम होती है, जो कम होता है उसकी उपयोगिता अधिक होती है। तो वो स्टडी में एक्स वस्तु को बढ़ाने के लिए वाई वस्तु की अधिक इकाइयों का परित्याग करता है, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो एक्स वस्तु की जैसे जैसे इकाई बढ़ाता जाता है तो उसके पास एक्स इकाई की मतलब एक्स इकाई की मात्रा बढ़ती जाती है, जबकि वाई की मात्रा घटती जाती है। तो y की मात्रा घटते रहने के कारण वो लास्ट में जब y की मात्रा वो घटने लगती है तो उस पर उसका छोड़ने के परित्याग करने के प्रति उसका नजरिया चेंज हो जाता है और वो कम से कम y की मात्रा का परित्याग करता है। इसीलिए हम लोग सीमान प्रतिस्थापन दर करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि जब उपभोक्ता एक वस्तु की एक इकाई बढ़ाता है तो जो दूसरी इकाई का जो जितने वस्तु का परित्याग करता है
उसे हम लोग सीमांत प्रतिस्थापन करते हैं, ठीक है। इसे हम ये एक्स वस्तु या वाई वस्तु इसी के आधार पे मैंने एक रेखा चित्र बनाया। इस रेखा चित्र में ओ एक्स रेखा पे एक्स वस्तु को और ओ वाई रेखा पे वाई वस्तु को दिखाया गया। हम इस चित्र में देखते हैं कि जब वो भोक्ता एक उदासीनता वक्र में होता है, एक उदासीनता वक्र मतलब उस वक्र के किसी भी बिंदु पे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलता है। तो हम दो बिंदु ले लिए, Q बिंदु और Q1 बिंदु। अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता को Q बिंदु पे भी जितना संतुष्टि मिलता है उतना संतुष्टि Q1 बिंदु पर भी मिलता है। तो Q बिंदु पर वाय वस्तु की ओएल मात्रा और एक्स वस्तु की ओएल मात्रा को उपभोग करता है, लेकिन जब वो एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो एक्स वस्तु की मात्रा को ओएल से भागकर ओएल वन करता है। तो उसी संतुष्टि पर रहने के लिए, उसी संतुष्टि के स्तर पर आने के लिए उसे वाई की मात्रा का परित्याग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वाई की मात्रा का परित्याग नहीं करेगा और एक्स की मात्रा में वृद्धि करेगा तो उसकी संतुष्टि में वृद्धि होगी। तो उसी संतुष्टि बिंदु पर आने के लिए जब वो एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ाएगा तो वाई वस्तु की मात्रा को घटाना होगा, और एक्स वस्तु की मात्रा में को बढ़ाने से जो उसे उपयोगिता में वृद्धि होता है वो वाई वस्तु की मात्रा घटाने से उतनी उपयोगिता में कमी हो जाती है और वो उसी उपभोक्ता स्तर पे बरकरार रहता है। इसे ही हम लोग कहते हैं कि उदासीनता वक्र रेखा, फिर एक बार समझ लो ताकि किसी तरह का दिक्कत न हो। दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोग जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलता हो, दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोग जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलता हो उसे हम उदासीनता वक्र। और उदासीनता वक्र में क्या होता है कि जब वस्तु एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो उसे उपभोक्ता स्तर में बने रहने के लिए उसे दूसरी वस्तु की इतनी मात्रा का परित्याग करना पड़ता है ताकि फर्स्ट वस्तु के उपयोगिता से जो वृद्धि होता है सेकेंड वस्तु के परित्याग से उतनी उपयोगिता का ह्रास हो जाए, ठीक है। तो उदासीनता वक्र क्या है वो तो समझ में आ गया, और सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है वो भी समझ में आ गया। सीमांत प्रतिस्थापन दर मतलब जब हम एक वस्तु की मात्रा में कमी करते हैं तो जो दूसरी वस्तु की मात्रा जो वृद्धि करते हैं उसे ही सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं, या फिर एक्स वस्तु की जो एक मात्रा में वृद्धि करते हैं तो वाई वस्तु की जितनी मात्रा में कमी करते हैं उसे ही हम लोग सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। अब हम बताएंगे कि उदासीनता वक्र का क्या विशेषता है, उदासीनता वक्र का क्या विशेषता है। फर्स्ट विशेषता कि उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है, बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है अर्थात ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब हम कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है, हमें दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ऊपर करके देखिए, तब हम ऊपर करके देखते हैं तो जैसा कि अभी हम आप लोगों को बताएं कि उदासीनता वक्र के किसी भी संयोग से समान संतुष्टि मिलता है, लेकिन इसमें हम देखते हैं Q बिंदु पे की अपेक्षा Q1 बिंदु पे संतुष्टि अधिक मिलेगा, क्योंकि Q बिंदु में वह x की OM मात्रा और y की OM मात्रा का उपभोग करता है, जबकि Q1 बिंदु पर x की OM1 मात्रा और y की OM1 मात्रा का उपभोग करता है। तो जब अधिक मात्रा का उपभोग करेगा तो उसे संतुष्टि, इसका मतलब कि उदासीनता वक्र ऊपर की ओर नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें उदासीनता वक्र का जो मूल है कि
उदासीनता वो अपने कहा कि किसी भी बिंदु पे हमें समान संतुष्टि मिलता है, लेकिन यहां पर वो देखते हैं कि अलग अलग संतुष्टि। इसी तरह से उदासीनता वो प्रेरणा सीधी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके भी हम दो बिंदु लेते हैं क्यू और क्यू वन। तो यहां पे एक्स वस्तु की क्यू बिंदु पे एक्स वस्तु की ओए मात्रा और वाई वस्तु की ओए मात्रा मिल रही है। अगर हम क्यू बिंदु के अपेक्षा क्यू वन बिंदु को ले तो वाई की मात्रा तो वही रहेगी ओए, लेकिन एक्स की मात्रा ओए के अपेक्षा ओए वन। तो जब एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ेगी और वाई वस्तु की मात्रा नहीं घटेगी तो उपभोक्ता में संतुष्टि में वृद्धि होगी, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। इसी तरह इसमें भी हम देखते हैं कि ये कड़ी है, इसका भी हम दो बिंदु लेते हैं क्यू और क्यू वन। यहां पे क्यू बिंदु पे उपभोक्ता को एक्स वस्तु में की ओए मात्रा और वाई वस्तु की ओए मात्रा मिलता है, लेकिन जब उपभोक्ता क्यू बिंदु से पहुंचा क्यू वन बिंदु पर जाता है तो एक्स वस्तु की तो वही मात्रा रहती है, लेकिन y वस्तु की मात्रा में वृद्धि होता है, और y वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने और x वस्तु की मात्रा में कमी नहीं होने के कारण उसे अधिक उपयोगिता मिलती है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो भैया इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, तो कैसे होगा? बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरती हुई रेखा होगी, अर्थात ऋणात्मक। ठीक है, दूसरी विशेषता, दूसरी विशेषता क्या है कि उदासीनता वक्र रेखा दूसरी विशेषता ओ एक्स रेखा पे एक्स वस्तु ओ वाई रेखा पे वाई वस्तु को दिखाया गया है। IC1, IC2, IC3, IC4 ये उदासीनता वक्र है जो अलग अलग उपभोक्ता स्तर को बताता है। तो जहां पे दो या दो से अधिक उदासीनता वक्र होता है उसे हम लोग उदासीनता मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनता मानचित्र। तो दूसरी विशेषता क्या है कि नीचे उदासीनता वक्र की अपेक्षा ऊंचे उदासीनता वक्र संतुष्टि को अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है, यानी कि हम जितने ऊंचे उदासीनता वक्र पे जाएंगे हमें अधिक संतुष्टि मिलेगा, और जितनी कम नीचे उदासीनता वक्र पे जाएंगे उतनी हमें संतुष्टि कम मिलेगा। अर्थात उच्च उदासीनता वक्र की अपेक्षा निम्न उदासीनता वक्र में संतुष्टि कम होता है। तीसरी विशेषता कि उदासीनता वक्र रेखा किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। हम यहां पे स्पर्श करके दिखाते हैं, ये हो गया मेरा आईसी, ये हो गया एक्स वस्तु इधर और इधर वाई वस्तु। तो यहां देखते हैं इस बिंदु पे और इस बिंदु पे, तो हम जैसा कि बताए हैं उदासीनता वक्र के बारे में दो वस्तुओं के वैसे सभी संयोग, लेकिन इस बिंदु में क्या दो वस्तु मिल रहा है? यहां पे y वस्तु की OA मात्रा तो मिल रहा है लेकिन x वस्तु की जीओ मात्रा मिल रहा है, तो दो वस्तु का संयोग ही नहीं है, इसलिए उदासीनता वक्र रेखा किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। तीसरी विशेषता चौथी विशेषता उदासीनता वक्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। दो उदासीनता वक्र रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। ठीक है, हम यहां पर काट दिए ए एक्स वाई ओ एक्स अच्छे एक्स वस्तु ओ वाई अच्छे वाई वस्तु को दिखाए। हम ये जानते हैं कि
उदासीनता वक्र दिखाती है, किसी भी बिंदु से उसे समान संतुष्टि मिलता है। उदासीनता वक्र रेखा के किसी भी बिंदु से समान संतुष्टि मिलता है। यहां पे हम आईसीवन भी देखते हैं, उदासीनता वक्र आईसीवन पे देखते हैं, ए बिंदु बराबर बी बिंदु, यानी कि ए बिंदु में जितना उपयोगिता मिलेगा उतना ही बी बिंदु में भी मिलेगा, क्योंकि उदासीनता वक्र रेखा के किसी भी संयोग से हमें समान संतुष्टि मिलती है। उसी तरह से आईसी टू में जितनी बी बिंदु पे हमें उपयोगिता मिलेगा उतना ही सी बिंदु पे मिलेगा, क्योंकि उदासीनता वक्र रेखा के एक ही संयोग में बी बिंदु और सी बिंदु, यानी कि ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, ये तो ए इज इक्वल टू सी, और हम यहां देखते हैं कि सी की अपेक्षा ये बिंदु पे उपभोक्ता को अधिक उपयोगिता मिलेगी। इसका और हम ये भी जानते हैं कि उच्च उदासीनता वक्र में अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है, ये ऊपर उदासीनता वक्र है, इसका मतलब उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रभावित करता है। नेक्स्ट उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, कैसा होता है उन्नतोदर, तो उन्नतोदर क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है वैसे वैसे वो वायु वस्तु की मात्रा को घटाता है। स्टार्टिंग में एक वस्तु की एक इकाई के लिए वायु वस्तु की अधिक इकाइयों का परित्याग करता है, और धीरे धीरे वो एक वस्तु की एक इकाई के लिए जो स्टार्टिंग में वायु वस्तु की इकाई का जितना परित्याग करता था उतना अब नहीं करता है बल्कि उसे कम करता है, यानी कि सीमान प्रतिस्थापन दर जिसको हम लोग एमआरएस कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो नेगेटिव घटते रहता है, नेगेटिव होता है। इस कारण से उदासीनता वक्र उन्नत होता है। उदासीनता वक्र का समानांतर होना आवश्यक नहीं है, वो समानांतर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद हम उपभोक्ता संतुलन, अब हम बताएंगे कि उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता किस अवस्था में संतुलन में होता है। तो फर्स्ट सब क्या है उपभोक्ता संतुलन का, कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है। तो उदासीनता वक्र के बारे में हम जान रहे हैं, कीमत रेखा एक आप लोग के सामने नया वर्ड आया जिसको हम लोग बजट रेखा भी कहते हैं, उसको हम लोग सामान्य अर्थों में उपभोक्ता की औकात रेखा भी कह सकते हैं, यानी कैप्सुलिटी। जैसे मान लिया जाए कि किसी भी उपभोक्ता का कुल आय 50 रुपया है, कितना पैसा है उसके पास 50 रुपया, ठीक है, हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय 50 रुपया है, वह और दो वस्तुएं एक्स और वाई, तो अगर और एक्स वस्तु जो है वो 5 रुपये प्रति इकाई है और वाई वस्तु है वो 10 रुपये प्रति इकाई है, तो उपभोक्ता ये 6 संयोग में से ही कोई एक चुन सकता है, यानी कि उपभोक्ता सिर्फ वाय वस्तु को खरीदेगा तो वाय वस्तु को वह मात्र 5 इकाई खरीदेगा, क्योंकि वाय वस्तु 10 रुपये प्रति इकाई है, तो 5 इकाई खरीदेगा तो 10×50, यानी कि उसके पास पैसा नहीं बचेगा, इसलिए वो एक्स वस्तु की 0 इकाई। अगर उपभोक्ता वाय वस्तु की 4 इकाई खरीदता है तो 10×40 10 रुपये उसके पास बचेगा, तो उस 10 रुपये से उपभोक्ता एक्स वस्तु की 2 इकाई खरीद सकता है। इसी तरह उपभोक्ता अगर वाय वस्तु की 3 इकाई खरीद सकता है तो 10×30 20 रुपये बचेगा।
करेगा तो वो 20 रुपए से उपभोक्ता एक्स वस्तु की 4 इकाई खरीद सकता है और वो एक्स वस्तु की मैक्सिमम इकाई 10 इकाई खरीद सकता है क्योंकि एक्स वस्तु 5 रुपए प्रति इकाई है तो 10 वस्तु कर देगा तो 50 रुपया होगा। तो उस स्थिति में वो वाई वस्तु की जीरो, यानी कि उसके पास जो साधन है, उसके पास जो पैसा है उससे वो इतना ही खरीद सकता है, इससे बाहर वो जा नहीं सकता क्योंकि इससे बाहर जाने के लिए उसके पास आय नहीं। तो इसे ही हम लोग इसको अगर तालिका में दिखा दिया जाए, रेखाचित्र में दिखा दिया जाए तो उसे हम लोग कीमत रेखा या फिर बजट के जैसे एक्स वस्तु कि वो और एक इकाई खरीद सकता है क्या जब जब वो वाई वस्तु की इकाई खरीदना चाहता है तो वो वाई वस्तु की ओए मात्रा कर देगा उस समय एक्स वस्तु की उसकी जीरो मात्रा होगी और जब वो डी वस्तु एक्स वस्तु को खरीदता है तो वह एक्स वस्तु की ओ भी मात्रा कर देगा और वाई की मात्रा जीरो होगी और ये दोनों मीन को मिलाने वाले रेखा को हम लोग कीमत रेखा कहते हैं। क्लियर? अब क्या है कि उदासीनता वक्र रेखा, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करेगी इस बिंदु पर। हो सकता है इस बिंदु पे और इस बिंदु पे उपभोक्ता संतुलन में नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे वो काट रहा है, लेकिन हम आप लोगों को बताए हैं कि जहां पे उदासीनता वक्र रेखा कीमत रेखा को स्पर्श क्योंकि यहां अगर संतुलन में हो तो हम ये भी जानते हैं कि उदासीनता वक्र रेखा के किसी भी बिंदु पे उसे समान संतुष्टि मिलती है तो जो यहां खर्च करेगा वो यही भी करेगा जहां जहां बराबर संतुष्टि उसे मिलेगा और यहां करता है तो कीमत रेखा के बहुत ही नीचे है कि यहां पे उसको पैसा भी बचत हो जाए या पैसा बचाने के लिए वो नहीं सोच रहा है, हमको उपभोक्ता संतुलन की व्यवस्था को दिखा रहा है। तो उपभोक्ता संतुलन कहां रहेगा? क्यू बिंदु में, क्योंकि यहां पे उदासीनता वक्र रेखा कीमत रेखा को स्पर्श। दूसरा सब क्या है? उदासीनता वक्र मूल बिंदु की और उन्नतोदर होना चाहिए, यानी कि इस तरह से मान लिया जाए एक कीमत रेखा है, यहां भी स्पर्श करता है लेकिन इस बिंदु पे उपभोक्ता संतुलन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस बिंदु से उससे ज्यादा यहां पे मिलेगा तो उसका पैसा कब बचेगा, तो इसलिए वो जहां पे इस तरह रहेगा वहां पर संतुलन में नहीं होगा बल्कि उदासीनता वक्र यहां पे मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, वहीं पे उपभोक्ता